में उपस्थित कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, युवाओं की धड़कन आदरणीय राहुल गांधी जी, कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेतागण, पदाधिकारीगण, हमारे महागठबंधन के साथी आदरणीय मांझी जी, आदरणीय शरद यादव जी, मुकेश सहनी जी, जितने भी यहाँ नौजवान हमारे भाई हैं, मीडिया के बंधु, सब लोगों का सबसे पहले मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ और स्वागत करने का काम करता हूँ। और मैं आदरणीय राहुल गांधी जी का भी बिहार की पावन धरती पर दिल से स्वागत करने का काम करता हूँ। पिछले बार हम लोगों ने महागठबंधन की रैली की थी, हम लोग सब लोग चाहते थे कि उस रैली में राहुल गांधी जी शामिल होकर के हम लोगों का हौसला बुलंद करने का काम करें, लेकिन इनके विदेश दौरे में जो इन्होंने मीटिंग विदेश में थी उस चलते ये पहले ही कार्यक्रम बन गया था, उस वजह से हमारे बीच नहीं आ पाए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज भले ही कांग्रेस पार्टी अपनी रैली करने का काम कर रही है, लेकिन राहुल गांधी जी बिहार आकर के सभी लोगों को जो उम्मीद थी कि राहुल गांधी जी आकर के बिहार के जवानों को, नौजवानों को, सभी साथियों को मोदी जी के असलियत का उजागर करने का काम करेंगे। हम लोग तो बिहार में रहते हैं, मोदी जी से ज्यादा हम लोग नीतीश चाचा जी पे ध्यान देते हैं, हर बात से पट्टी मारते रहते हैं। अभी लोग कहते हैं कि महागठबंधन बनाया है, महागठबंधन बनाया, अलग अलग पार्टी है। हमने उनको जवाब दिया, अलग अलग पार्टी भले ही है, हमारी अनेकता में भी एकता है, इसलिए हम लोगों ने महागठबंधन बनाने का काम किया। अलग अलग रंग के लोग हैं और जिस प्रकार देश को मोदी जी ने बर्बाद करने का काम किया है, खाने का काम किया है, खाने में कुत्ता अगर फट जाए तो हम तो सुई का काम करने का काम कर रहे हैं, अलग अलग रंग से, अलग अलग धागे से उस कुत्ते को सिलने का काम कर रहे हैं, देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। 2014 में मोदी जी ने तो गंजों को भी कंधा बेचने का काम कर दिया था, जिसका सर पे बाल नहीं था उसको भी कंघी बेच दिया था। जितने गंजे थे वो पूछते थे मोदी जी हमारे तो बाल नहीं है तो हम कंघी किस काम का है, तो मोदी जी बोलते थे अभी खरीद लो बाद में उगा देंगे। उसी प्रकार से अच्छे से नहीं, नौजवानों को हर साल करोड़ों रोजगार देने का काम करेंगे, 15-15 लाख रुपए हर एक के खाते में देने का काम करेंगे। आप सब लोगों को ठगने का काम किया और सबसे ज्यादा अगर सौतेला व्यवहार अगर मोदी जी ने करने का काम किया है तो हमारे बिहार के साथ करने का काम किया है। आज इतने आप सब लोगों, आप सबको मोदी जी से और हमारे पट्टू चाचा जी से बदला लेकर के रहना होगा। इन लोगों ने बिहार की पाली लगाने का काम किया था मोदी जी ने, आज आके जनसभा में बोला था कि नहीं बोला था 70,000 करोड़ दूं, 80,000 करोड़ दूं कि 90,000 करोड़ दूं, चलो 1,25,000 करोड़ रुपया दिया। अरे मोदी जी कहां गया 1,25,000 करोड़ का पैकेज का आपने वादा किया था, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने की बात कही थी, आखिर हमारा अधिकार कहां है? अगर आप समझो कि बिहार को आप ठगने का काम किए हैं, लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए, बिहार के लोग उल्टी चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानने का काम करते हैं। आपसे जब लोग सवाल पूछते हैं, लोग आपसे जब आपके वादों को गिनाते हैं कि आप पूरा कब करोगे, तो अपने अलायंस पार्टनर सीबीआई, ईडी, इनकम
इनकम टैक्स को आप पीछे लगा करके डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ये मत भूलिए कि हम लोग हमारे पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप भले सीबीआई इनकम टैक्स लगा दोगे लेकिन जनता के दिलों में से लालू जी को नहीं निकाल पाओगे। और लालू जी के गीदर बाबू से डरने वाले नहीं, हमारे पिता हमारे शेर हैं। इसलिए आप सब लोगों को एकजुट होकर के इस लड़ाई में आप लोगों को देश बचाने का काम करना है। आप सब लोग जानते हैं कि मोदी जी ने कितना झूठ पर झूठ बोलने का काम किया। मैं कहता हूं मोदी जी झूठ बोलने के फैक्ट्री हैं, झूठ बोलने के होलसेलर हैं। और आरएसएस जो है वो उनका जो आप क्या कहते हैं, आरएसएस जो है उनका रिटेलर है। इसलिए इनके जुमलों से आप लोग बचने का काम कीजिए। हम लोग सब लोग आज सब लोग राहुल गांधी जी हमसे जब सवाल पूछा जाता है कि आप राहुल गांधी जी में आप काबिलियत देखते हैं कि नहीं देखते हैं प्रधानमंत्री, तो हम लोग सब लोग बोलते हैं कि राहुल गांधी जी में कोई कमी नहीं, राहुल गांधी जी में योग्यता है प्रधानमंत्री बनने की। लेकिन कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ी पार्टी है। और कांग्रेस की और आपकी सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है और अपने सहयोगियों को किस प्रकार से जोड़ने का काम कीजिएगा, किस प्रकार से साथ लेकर के चलने का आप काम कीजिएगा। इसलिए आपको बहुत आगे जो है देश के लिए आपको सेवा करने का काम करना है। और हमारा बिहार जो है वो पिछड़ा राज है, लोग बीमारी राज कहते हैं। अगर आप प्रधानमंत्री बने तो हमारे बिहार पे विशेष ध्यान करके आप लोगों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को जो उनका अधिकार बनता है वो आप लाने का काम कीजिए। बीजेपी के लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, बाबा साहब अंबेडकर जो उनके गुरु हैं बंच ऑफ थॉट्स को लागू करना चाहते हैं। आप लोग सब अगर देश को बचाना है, अपने संविधान को बचाना है, तो आप सब लोगों को मिलकर के भाजपा को भगाने का काम करना है। ज्यादा कुछ हम नहीं कहेंगे, राहुल गांधी जी को कोई बोलना है और भी हमारे वक्ता है, लेकिन हम इतना जरूर कहेंगे कि आप सब लोग एकजुट होइए और इनके जुमलों में आप लोग फंसने का काम नहीं कीजिएगा। आखिर जब इनसे काम और वादे पूरे नहीं होते हैं तो फिर से ये लोग जो है दंगा फसाद करने का काम करते हैं। आप सब लोग सचेत, इसलिए आप सब लोग सचेत रहिए। एक चुटकुला चलता है, राम जी और सीता मैया स्वर्ग में बैठे थे, राम जी को हिचकी आती है, सीता मैया पूछती है क्या हुआ प्रभु, राम जी कहते हैं कि लगता है चुनाव पास में है, बीजेपी याद कर रही है। इसलिए आप लोग सावधानी बरतने का काम कीजिएगा, दंगा फसाद और अगर सांप्रदायिकता, अगर सांप्रदायिक शक्ति अगर मजबूत होती है तो आप लोग उनको तोड़ने का काम कीजिएगा। ज्यादा कुछ ना कह करके हम लोग बिहार का आगे हम लोग यात्रा करने का काम कर रहे हैं और उस यात्रा का नाम है रोज बेरोजगारी हटाओ, आरक्षण बढ़ाओ। इस नारे के साथ, इस नारे के साथ हम लोग जो है गरीबों को, शोषितों को, वंचितों को सामाजिक न्याय के लिए जागरूक करने का काम करेंगे। इसलिए हम सब लोगों को पूरा दिल से बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं, विशेष तौर पे राहुल गांधी जी का देते हैं और अपनी बात को यही समाप्त करते हैं। जय हिंद। बिहार का आप ठगने का काम किए हैं, लेकिन आप एक बात और समझ लीजिए, बिहार के लोग उड़ती चिड़िया को भी हल्दी लगाना जानने का काम करते हैं। आपसे जब लोग सवाल पूछते हैं, लोग आपसे जब आपके वादों को गिनाते हैं कि आप पूरा कब करोगे, तो अपने अलायंस पार्टनर सीबीआई ईडी इनकम टैक्स को आप पीछे लगा करके डराने का काम करते हैं, धमकाने का काम करते हैं। लेकिन मोदी जी ये मत भूलिए कि
कुमार हमारे पिता ने गरीबों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया, शोषितों के लिए लड़ाई लड़ने का काम किया। आप भले ही सीबीआई इनको टैक्स लगा दोगे, लेकिन जनता के दिलों में से लालू जी को नहीं निकाल पाओगे।